ज्यों ज्यों संगत करी दिया नाम भजन बंदगी विच सुरत नूं टिकाई दा प्यारिओ त्यों त्यों अंदर शुभ गुण आउणे शुरू हो जांदे, सबर आउणा, संतोख आउणा शुरू हो जांदा है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन शहीदां बाबा दीप सिंह जी दा पावन स्थान जिहड़ा अमृतसर साहब दी पावन धरती ते, उत्थे प्यारो इक बजुर्ग बीबी जिहड़ी है बड़ी सेवा करदी सी। उन्हें जिथे जदों सुखमणी साहब जी दे पाठ दा टाइम हो जाना तो उत्थे जाके सुखमणी साहब दा पाठ भी करना, फिर प्यारे लिफाफे जिहड़े ने उह वंडन दी सेवा दे विच जुड़ जाना, अनेक तरह की उत्थे सेवा सारा दिन सेवा करते रहना, सारा दिन सेवा दे विच बतीत करना, फिर जदों कितें टाइम वेला मिल गया ना तो सहज पाठ जाके सुन लग पैंदी। इन्नी कमाई उस बीबी दे बजुर्ग दी, ते जिहड़ियां थोड़ियां जिहा यंग एज जवान बीबियां सन जिहड़ियां, उन्होंने एक दिन पुछ लिया, कहन लगे बीबी असीं इन्नी सेवा नहीं कर पाउंदे आ जिन्नी तूं इस उम्र विच करदी पई आ, पर सानूं इह दस तूं मंग की मंगदी पई आ बाबा जी दे इस पावन स्थान ते आण के, गुरु साहिब दे कोलों मंगदी की है, ऐसी तेरी की मंग है जिहड़ी तेरी इन्नी सेवा इन्नी बंदगी है। तो बीबी आखन लगी प्यारे, उन्हें अपना जीवन दे बारे दस्या, कहन लगी जदों मेरा विआह होया सी ना मकान भी नहीं सी कोल, तो मैं धन गुरु रामदास महाराज दे दरबार जाके अरदास कीती कि सतगुरु सच्चे पातशाह साडे कोल मकान अपना बन जावे। कहन लगी थोड़ा समा पा के जिवें जिवें मैं गुरु साहब दे दरबार विच उत्थे जाके नतमस्तक हुंदे रहे, इत्थे शहीदां के सेवा करदे रहे, साडा मकान बन गया अपना। कहन लगे मेरा घर वाला गलियां च फेरी ला के पिंडा पिंडा जा के कपड़े वेचदा सी, मैं सेवा दे विच जुड़ी रही ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की कृपा हुई, ब्रह्म ग्यानी बाबा दीप सिंह जी की ऐसी कृपा वरती जेडे असी गलियां विच जा के कपड़े वेचते सज साडा शोरूम पै गया, असी शोरूम साडा खुल्लिया होया। ज्यों ज्यों समा बीतदा गया साढ़े सारे काम सवले होंदे गए, चढ़दी कला होंदी गई, साढ़े बच्चे जिहड़े ने वो चंगियां नौकरियां ते लग गए ने मेरे बच्चे भी, पर हुण थोड़ा चिर होया मेरा घर वाला जिहड़ा ना वो चढ़ाई कर गया, मेरा साथ छड गया। तो कहन लगे मैनू हुण गुरु रामदास जी दर ते आण के इत्थे बाबा जी दे अस्थान ते आण के मैं हुण यही अरदास करदी आ कि सच्चे पातशाह मैनू हुण किसी चीज़ की थोड़ नहीं आ गई, जो कुछ मैं मंगया जो कुछ मैनू लोड़ सी तू आपे देंदा गया, मैं सेवा सिमरन दे विच तू मैनू लाया ते तू दाता भी मैनू अपने आप देंदा रहा, ते सच्चे पातशाह हुण मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, बस एक कृपा होर कर देवी कि मैं जो मेरे सवास निकलन जां ते मैं तेरे दर दे विच सेवा करदी होवां जां किते भजन बंदगी विच जुड़ी होवां, ये कृपा करी मेरे प्राण जिहड़े तेरे दर ते निकलन। वो आखन लगे सारे कहिंदे धन आ तू बीबी जिहड़ी ये मंग आ, इन्नी भगती इन्नी सेवा करन दे बावजूद भी इस ऐसे प्रेम वाली मंग मंगदी पई। आपां प्यारिओ होर बाणी पढ़ के सेवा करके थोड़ी बहुती सेवा दे विच जुड़ के ते कई संसारी मंगा मंगदे आ, पर वह बीबी किन्नी कठिन सेवा करके भी की मंगदी आ कि सबर आ गया ते तेरा शुक्र है तू बड़ा कुछ दिता, पर हुण एक आ कृपा करी कि जदों प्राण निकलन तेरे चरणा विच जुड़ी होवां तेरे दर ते होवां। थोड़ा जिहा समा फिर कहिंदे ने प्यारे होर जदों बीतिया बजुर्ग सी सेवा उस तरह करदे रही, फिर एक दिन कहिंदे ने सारा उहने सेवा जिहड़ी नेम अपना निभाया पाठ भी कीता उस दिन दा, ते पातशाह जी कृपा करन कहिंदे उत्थे दरबार विच शहीदां ही खड़ी सी, एकदम उन्हों प्यारो दिल में घबराहट जी हुई तो हेठां जिहड़ी डिग पई जमीन दे उपर बह गई, सारे जिहड़े उहदे उन्हों पछाणदे सी तकरीबन सारे ही कोल आ गए, उहदे आख लगे बीबी की होया ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दस तेनू आपां होस्पिटल लै जाने आ ते तेरा इलाज करवा दिंदे आ। कहिंदे ने प्यारो उहदे चेहरे दे उपर इन्नी खुशी इन्ना चाह इन्ना नूर सी उहदे चेहरे दे उपर मुस्कुराहट, तो पातशाह जी कृपा करन कहिंदे उहने हाथ नाल इशारा कीता मैनूं हुण हस्पताल जाण दी लोड़ नहीं, जो मैं गुरु रामदास कोलों मंगिया सी
जो मैं महापुरखों के इस पावन स्थान पर आ के मंग मंगी सी, अज मेरे वो मंग भी पूरी होन लगी है। मेरे प्राण जे निकल लगे ने वो भी गुरु साहब के इस पावन स्थान पर। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर कै द्वार, मत हर पूछा कौन है परा हमारा बार। बाबा कबीर साहब कहिंदे मैनू मरण दा चा आ, जदों प्राण सवास निकलन ते मैं रब दे दरवाजे ते गुरु दे दरवाजे ते मौत जड़ी होवे, मते सतगुरु साईं अंदर बार आउंदा जांदा दरवाजे तो पुछी लवे कौन पिया है, इन्ने विच ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। जेकर रब पुछी लवे ये कौन आ जिहड़ा साडे दरवाजे ते पिया होया। वो बीबी की मंग सी कि सतगुरु जदों मेरे साह जिहड़े अंतम साह होवे मेरा तेरे चरणों में होवां तेरे दर ते होवां। तो कहिंदे ने प्यारियो उहदे चेहरे ते कोई ऐसी शिकन नहीं कि मेरा हुण अंतिम समा आ गया, जिवें मैं कल वी बेनती कीती सी। तो गुरु साहब ने आख्या सी महाराज कहिंदे जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दो कैसा पावे, बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे। कहिंदे मरण दा जिहड़ा डर आ वो निकल जांदा कि मैं मर जाना आ, ये डर खत्म हो जाता उहदे दिल विचों जिहदे सिर ते सवासाई हुंदा है, जिहदे सिर ते स्वामी हुंदा। प्यारे उस बीबी ते इन्नी कृपा हुई उहने उत्थे सवास छड्डे प्यारे, ते सतगुरु कृपा करन ये गुण आउणे शुरू हो जांदे जदों संगत करदे आ ना, ये शुभ गुण आउंदे ने अंदर, सबर आउण लग पैंदा। पुछदियां ने बीबियां कि तू सेवा क्यों करदे आ, की मंगिया? कहिंदे कोई मंग नहीं, बस यही है कि सेवा भजन बंदगी विच मेरा जीवन लंघ जावे, इत्थे ही सतगुरु दे दर ते मैं आखिरी साह लवां। ये मंग है सबर आ, ये शुक्र आ कि सतगुरु ने इन्ना कुछ दिता, कोई तोड़ नहीं रही हैगी, कोई तंगी नहीं रही। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन प्यार ये हुंदा किवें, संगत करके सबर आउंदा, संतोख आउंदा, गुण आउंदे ने शुभ गुण। तो महाराज कृपा करन तृष्णा अंदरों खत्म होनी शुरू हो जाती, तृष्णा घटनी हो शुरू हो जाती। वैसे कहिंदे ने तृष्णा दे थला नहीं कोई हुंदा, वो ऐसे एक भांडा ऐसा एक बर्तन आ जिहड़ा कोई थला नहीं हैगा, उहदे विच दस चीज़ां पाओगे वह हेठां निकल जाणियां ने, उहने भरना नहीं। ये तृष्णा ऐसी आ, इच्छावां ऐसियां ने, पर जदों तुसीं गुरु दे दर ते आ जांदे हो ते सतगुरु इहनूं थला ला दिंदा, ये तृष्णा नूं थला ला दिंदा। ते प्यारो इहदे विच जदों जो पाता गुरु ने वह भरिया रहिंदा अंदरों भांडा, अंदरों भांडा भरिया रहिंदा है। ते शुकर करी जाईदा इदा दे गुण जिहड़े संगत करन दे नाल आउंदे ने। मस्तक लिखत लिखे गुण गाए, मिल संगत पार परो। गुरु साहब सच्चे पातशाह कहिंदे संगत विच मिल के पार उतर जाओ भाई, क्यों? संगत विचों शुभ गुण जिहड़े तुहानू प्राप्त होणगे। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन इह भी पता लग जांदा है प्यारो कि अंतिम समा आ गया, क्योंकि बीबी चाहुंदे ते कह सकदी सी मैनूं लै चलो होस्पिटल, उहदे अंदरों मौत दा डर नहीं रहा। तो उन्हों पता लग गया कि आ समा मेरा हुण आ गया, उन्हें मना कर दिता तो बड़ी खुश सी जदों उन्हें शरीर नू त्यागया। खुश तां सी क्योंकि भय नहीं अंदर, डर नहीं। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन, नहीं तो कहिंदे ने प्यारे जदों जिंद निकलदी है ना शरीर दे विचों, बाबा फरीद साहब कहिंदे जिंद ने माणी कढ़िया हड्डां को कड़काए, कहिंदे खड़का के हड्डां नू अंदरों